एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे वीक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सारे आसन जो कि मदद करेंगे हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन इसके पहले भी मैंने कई सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड की है प्राणायाम के और आसन के जो कि मदद करेंगे आपको आपका पाचन तंत्र सही करने में, जैसे कि सूर्य नमस्कार की ट्यूटोरियल वीडियो, कपालभाति की ट्यूटोरियल वीडियो, त्रिकोण आसन, और कल ही जो अपलोड की है उसका नाम है भुजंग आसन। तो ये सारी वीडियोस आपको देखनी है और घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। मैं अलग अलग वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि हम हर आसन को अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि कौन किस तरीके से उस आसन को करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं। वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ आप किसी भी तरीके की गलती ना करें। तो अगर गलती से आपने कोई वीडियो मिस कर दी है उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक है वो सारे नीचे दे दूंगी, आप आराम से उन सारे आसनों को सीखें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे एक आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन, या इसको इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं, और इसको अच्छी तरीके से आज सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट इस वीडियो में बताई गई जो भी योग और प्राणायाम के जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सीखते हैं उष्ट्रासन कैसे करेंगे। उष्ट्रासन करने से पहले मेक श्योर कि आपने कम से कम 6 सेट सूर्य नमस्कार के ज़रूर किए हो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपने बहुत अच्छा वार्म अप किया हो और आपकी बॉडी किसी भी दूसरे आसन को करने में थोड़ी सहजता महसूस करे, इसीलिए आप सूर्य नमस्कार तो ज़रूर करना। कोई भी मेरी वीडियो देख लो, आप किसी भी आसन को अटेम्प्ट करने से पहले सूर्य नमस्कार ज़रूर किया करो। सो चलिए शुरू करते हैं उष्ट्रासन और सीखते हैं कि उष्ट्रासन किस तरीके से करेंगे। शशांक आसन में आराम कीजिए, 2 से 3 गहरी लंबी सांसें। अब उसके बाद आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। ये हुआ वज्रासन। अब दोनों पैरों के बीच में कम से कम अपने कंधे जितना फासला करें और अपने घुटनों में खड़े हो जाएं इस तरीके से। जिन भी लोगों को घुटने में दर्द की समस्या है वो आसन को अवॉइड करें। अब दोनों पैर के जो पंजे हैं वो मैट पे इस तरीके से फ्लैट होंगे और पैरों की स्थिति इस तरीके से होगी। एक बार सामने से दिखला देती हूँ कितना फासला रहेगा दोनों पैरों के बीच में, आपके कंधे जितना फासला इस तरीके से। दोनों हाथों को अपने कंधे तक इस तरीके से उठाएं। अब सांस लेते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर की हील्स को और बाएं हाथ से बाएं पैर की हील्स को टच करें और कंधे पीछे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ झुकी। कुछ सेकेंड्स होल्ड करेंगे इस आसन को और वापस आने के लिए उन्हीं सारे स्टेप्स का फॉलो करेंगे और डाउन। लेकिन बिगनर्स के लिए ये कर पाना इतना इजी नहीं है क्योंकि उनकी सबसे पहली बात तो कमर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी, उनके बट लॉक हिप रीजन बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगे और जब आप अपनी गर्दन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो उनको गिरने का डर रहेगा और हाथ इस तरीके से टच नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस। चलिए सबसे पहले अपनी कमर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और वार्म अप करने के लिए आप करेंगे कैट एंड काउ पोज। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, सांस लेते हुए अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। ये कैट हो गया, ये काउ हो गया, ये इनहेल एक्सहेल डाउन। 10 से 15 बार कैट एंड काउ पोज करेंगे जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी लचक आएगी और वार्म अप होगा। एंड रिलैक्स,
शशांक आसन। अब बिगनर्स किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासना। तो दोनों पैरों के पंजे आपके वापस से मैट पे इस तरीके से पैरेलल होंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से आप अपनी कमर पे रखेंगे और सांस लेते हुए थोड़ा थोड़ा बॉडी को पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे एंड एक्सहेल बैक। अपने आप को जितना झुका सकते हैं उतना झुकाइए। बैक अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में दिखाई गई हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। एंड बैक, कुछ देर शशांक आसन में आराम करेंगे। आइए नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन में अब एक एक हाथ से अपने हील्स को टच करेंगे, लेकिन क्या है कि बिगनर्स को हील एकदम से टच नहीं कर पाएंगे, तो अपने हील्स को थोड़ा और नज़दीक लाते हैं अपने पंजों के सहारे इस तरीके से। अपने पंजे को पहले फ्लैट थे मैट पे, अब फ्लैट नहीं रहेंगे, अब इस तरीके से उठा लिया। सांस लेते हुए एक हाथ हवा में ले जाते हुए सिर्फ एक हाथ से अपनी हील्स को टच करेंगे और पीछे अगर देख सकते हैं झुक सकते हैं झुकिए, अदरवाइज इसको मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे प्रोसेस पे टाइम लगेगा, चाहे तो अपना उल्टा हाथ आसमान में इस तरीके से उठा ले एंड बैक। यही चीज़ उल्टे हाथ की तरफ से, कैसे इस तरीके से अपने हील्स को उठा ले और उल्टे हाथ से उल्टे हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने हील्स को टच करेंगे और दाहिना हाथ आसमान की तरफ इस तरीके से रख सकते हैं, या कमर में रख सकते हैं, या डाउन और पीछे की तरफ देख सकते हैं। देखिए, अगर गिरने का डर है तो आप कंधे पीछे ना ज़्यादा झुकाएं, अपनी गर्दन पीछे ज़्यादा ना झुकाएं। एंड बैक एंड रिलैक्स। अब कुछ दिनों तक जब आप ये दोनों वेरिएशंस ट्राई कर लेंगे, तो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उष्ट्रासन। अब दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना फासला। उष्ट्रासन में क्या कर रहे थे कि हम अपने पैर के पंजे इस तरीके से पैरेलल रख रहे थे मैट में, तो हम क्या करेंगे बिगनर्स के लिए, दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से मैट पे थोड़ा सा उठा लेंगे। अपनी टोस जो हैं, बिग टो है और बाकी के जो उंगलियां हैं उसमें इस तरीके से अपने पंजों को उठा लेंगे और सांस लेते हुए दाहिने पैर से दाहिनी हील्स को, बाएं पैर से बाएं हील्स को टच करेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो गर्दन पीछे की तरफ इस तरीके से झुका लें और कुछ देर होल्ड करने के बाद बिगनर्स 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और जो लोग पहले उष्ट्रासन कर चुके हैं 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। एंड बैक एंड रिलैक्स। और फिर जब आप ये तीनों वेरिएशंस ट्राई कर लेंगे, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे उष्ट्रासन। इस तरीके से आप अपने घुटनों में खड़े हो जाएं। अब पैर के पंजे जमीन में सपाट पैरेलल, सांस लेते हुए दाहिने हाथ से दाहिने हील्स को, बाएं हाथ से बाएं हील्स को टच करेंगे और पीछे देखिए, ब्रीथ नॉर्मल। कुछ देर होल्ड करेंगे और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए कम बैक। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद उष्ट्रासन आप आराम से कर सकते हैं। विश्वास मानिए, कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम प्रयास करें तो।
अब बात कर लेते हैं इस आसन के बेनिफिट्स की। अब जैसा कि आपने देखा, जब आप उस रास्ते में जा रहे थे तो आप अपनी हील्स पे इस तरीके से खड़े हो रहे थे, अपने घुटनों पे इस तरीके से खड़े हो रहे थे, और आपने जब जिस तरीके से अपनी बैकबोन को पुश किया उससे आपने देखा, क्योंकि हम सारा दिन कुर्सी में चेयर में इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से, तो हमारी जो स्पाइन है उसकी पोजीशन ये होती है, कंप्यूटर में काम करते हैं बैठे हैं ये होती है, तो उस ट्रासन में हमें मौका मिलता है कि हम अपनी स्पाइन को और अधिक फ्लेक्सिबल और मजबूत बना पाएं। आपकी पेट की चर्बी, आपकी कमर की चर्बी, आपकी जांघों की चर्बी, आपके शोल्डर्स भी पीछे की तरफ जा रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर्स की जिनको समस्या है, कंधे बहुत ज़्यादा कड़े हैं, अकड़न है, वो ज़्यादा खुलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेंथन एंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका लीवर, लंग्स, आपके दिल की धड़कनें मजबूत हो रही हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, आपका जो किडनी है, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जननांग हैं, जिनको भी मतलब मेंसुरेशन डिसऑर्डर है, पीरियड्स की रिलेटेड कोई समस्या है, थायराइड के रोगियों के लिए, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन है। आपको बैक पेन कभी भी नहीं होगा अगर आप उस आसन हमेशा करते हैं, तो आपको लोअर बैक पेन तो कभी होगा ही नहीं। इसके अलावा आप जिन भी लोगों को बैड पॉस्चर की समस्या है, मीन्स उनके कंधे अजीब से झुके हुए हैं, या कभी वो एक साइड इस तरीके से झुक जाते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं उसको, तो वो सारी समस्याएं भी नहीं आएंगी। आपके एंकल्स, आपके घुटने, आपके हिप फ्लेक्सर्स, आपके शोल्डर्स, आपकी गर्दन, ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथन और स्ट्रांग हो रही है। इनफैक्ट थायराइड में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो ये तो सारे हो गए उस ट्रासन के बेनिफिट्स। और किन लोगों को ध्यान रखना है उष्ट्रासन करते वक्त, जिन लोगों को भी बैक में कोई इंजरी हुई है, रीसेंट इंजरी हुई है, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्निया की समस्या है, और दिल के अगर मरीज़ हैं तो ज़्यादा पीछे ना झुकें, उससे उनको गिरने का खतरा हो सकता है, या कि और तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि अगर आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में अच्छी तरीके से सीख के आप योग करते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, उस ट्रासन किस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बेनिफिट्स और उसके जो भी प्रिकॉशंस है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो अब जाने का वक्त आ गया है, इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगी और आपको एक और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।